जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बीट कितनी अच्छे से हुआ है माशाल्लाह से। चीनी और जो है एग जो है अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। अच्छा मैं अभी चॉकलेट की वीडियो बना ही रही थी तो चॉकलेट की जो खुशबू पूरी घर में फैल जाती है और कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं हमारी चॉकलेट खाने। खानी है आपने चॉकलेट? हाँ जी। ये तो मेरी है। अच्छा मैं देखती हूँ ना। हाय अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मान फातिमा। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक आप सबको अच्छा रखे और हमेशा अच्छा रखे। फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है शाम में, क्योंकि शाम में दिन में नहीं कर सकती क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे, मशीन लगाई थी, घर की सेटिंग, ये वो फिर आपको बताइए। फिर आज हमने सोचा क्यों ना, मैंने सोचा आज मैं पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी चॉकलेट केक के लिए ऐसे भी, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है हाँ सिंपल केक की रेसिपी। सो मैंने कहा क्यों ये सिंपल केक की रेसिपी हर कोई बना सकता है, हर कोई नहीं बना सकता, जो मीठी रेसिपी वो आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को बनाने में ईजी हो। सो देर नहीं करते, चाय खाना बनाएगा, चाय का केक ना हो तो चाय का मज़ा नहीं आता। लेट्स गो, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जो जो रेसिपी में ऐड करूँगा आप लोगों से शेयर करते हैं, तो मेरे साथ बने हैं। लेट्स गो। सो अपने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि टाइम फिर हमने हांडी भी बनानी है, खाना भी खाना है, समझा करें आप लोग बात को। देन हम स्टार्ट करते हैं। देन मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी साथ साथ क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी। अच्छा जी, मैंने सोचा क्यों ना केक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल केक में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं, अगर पास हमारे नॉर्मल रूटीन में वही चीज़ें होंगी घर में जो हम बनाती। अच्छा मैंने एक बॉल लिया मैदा, ठीक है, ये फ्रेश मैंने मंगवाया है और घर का यूज़ नहीं किया क्योंकि घर के यूज़ करने में आपको ना वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, सूसरियाँ पड़ती है, उसको साफ रहता है हर चीज़। तो ये मैंने फ्रेश में इसमें ऐड करूँगी दो एग और मैंने एक कप चीनी का लिया है। उसके बाद मैंने वन या हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड करना है। उसमें मैं ऐड करूँगी जैसे मिक्सअप करने के लिए, जैसे काफ़ी थिक हो जाता है तो उसमें मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, उसमें मैं मिल्क के साथ ऐड करूँगी, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ें ऐड करनी है आपने एज अ टेस्ट। अगर आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको चॉकलेट केक बनाना। अच्छा जी, मैंने सिंपल जो है वो प्लेन बॉल लिया, फाइनली मेरा अपना बॉल भी चेंज कर दिया क्योंकि जितना बड़ा बर्तन होगा ना उतना ही बीटिंग करने में मज़ा आता है। सो इसमें ऐड करूँगी मैं चीनी और अंडे, उनको अच्छे से बीट करूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने चीनी और एग ऐड करके उसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। अच्छा बीटिंग स्टाइल जो होता है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, कुछ लोग मशीन से करते हैं, कुछ लोग हाथ से करते हैं, बट आई लाइक मैं अपने हाथ से हर चीज़ बीटिंग यानी कि बीट करने में जो मज़ा है वो हर चीज़ में, इवन कि मैं मेकअप भी अपने हैंड से करती हूँ। हाथों से जो ब्लेंडिंग होती है, हाथों से जो बीटिंग होती है ना, वो मशीन से नहीं होता है। अच्छे से करेंगे ताकि चीनी और एग अच्छे से मिक्स हो जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बीट कितनी अच्छे से हुआ है माशाल्लाह से। चीनी और जो है एग जो है अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है, अब इसको अच्छे से बीट करूँगी, मिक्स करूँगी। हाय, मुझे लग रहा है आज मेरा केक बहुत अच्छा बनेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ईमान की तुम्हारे मुँह पे दी शुक्र या गुर जो भी है। जब आपके मुँह से कोई भी बात अच्छी निकले ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल जाएगा। हमेशा कोशिश किया करें कि अपने मुँह से अब अच्छी बात निकाला करें। अच्छा जी, जो मैंने मैदा दिखाया था वो मैं सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करूँगी ताकि ये ना अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए। सारा दाने से ये होता है कि यानी वो मिक्सअप भी नहीं सही से होता और फिर हमें बार बार दूध ऐड करना पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह से, अच्छा जी मैदा मैंने सारा ऐड कर लिया। जैसे मैंने बताया था, सारा ऐड करने के बाद आपकी जो मिक्सअप करनी है उसमें बहुत मुश्किल पेश आती है। सो मैंने इतना मैदा मिक्स कर दिया, इसमें ऐड करूँगी ये दूध थोड़ा थोड़ा करके ताकि मिक्स अच्छा सा हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह से इतने थिक लेयर मैंने इसकी रखी है और ये बहुत अच्छे से यानी कि मिक्सअप हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी, इसको डालूँगी पैन में मटर पेपर के वो भी। अच्छा जी, मैंने पैन लिया है वो भी, मेरा भी नहीं तो पास चेंज हुआ है, आप जो सोच रहे हैं आज ब्लॉग में चेंजिंग आई हुई है। अच्छा
सिंपल केक बनाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पास्ता बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें इजीली हर चीज़ बेक हो सकती है। सर मैंने इसको बटर पेपर लगा पहले ऑयल लगाया, उसमें बटर पेपर लगा, अच्छे से मैंने इसको यानी कि चिपका दिया ताकि जब केक हमारा बेक होकर निकले तो ईजिली निकल सके, कोई मुश्किल पेश ना। सो हम इसमें डालते हैं अपना। अच्छा जब आप व्लॉग बनाने लगे और रेसिपी को ट्राई कर रहे हो तो पूरी अवाम पीछे खड़े कैसे वेट कर रही होती है, जैसे कि मैंने 5 मिनटों में बना के उनके हाथों में दे दूँगा। पर जब वीडियो बना रही हो और साथ बेकिंग हो रही हो तो टाइम तो लगता है ना यार, समझा करें ना आप लोग भी और मेरे घर वाले भी। अच्छा मैंने इसको केक डाल दिया, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इसकी ना फुल येलो है, मैंने इसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया, और ये बेक करके और प्यारा लगा। लो हम बेक में रखते हैं और जल्दी दिखाते। अच्छा जी मैंने ना, अच्छा ये होगा हमारा जो पैन था वो बहुत भरा था, इस वजह से जो है ना मैंने इसको स्टीम डाली, नीचे से बेक हो चुका है और ऊपर से मैंने इसको पेपर से कवर करके इसको स्टीम डला रही हूँ ताकि ऊपर से जो कच्चा है वो भी पक जाए। अच्छा जी जब केक में टाइम ज़्यादा और भूख लग रही हो तो हम इन चीज़ों से गुजारा करते हैं, यानी कि चॉकलेट है, ये मेरी ज़िंदगी, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ है, मैं इतना मोहब्बत करती हूँ ना इनसे, आई मीन सबसे भी करती हूँ इनसे ज़्यादा करती हूँ, चॉकलेट मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे चॉकलेट जहाँ भी मिल जाए ना मैंने वहाँ रोड़ा लप्पा तार के लिए नहीं होती। वेल अपनी चॉकलेट अपने थोड़ी भूख कम करते हैं फिर हम केक खाते हैं। अच्छा मैं अभी चॉकलेट की वीडियो बना ही रही थी तो चॉकलेट की जो खुशबू पूरी घर में फैल जाती है और कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं हमारी चॉकलेट खाने। खानी है आपने चॉकलेट? हाँ जी ये तो मेरी है। अच्छा मैं देखती हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा केक भी जो हो चुका है बेक हो चुका है और बहुत अच्छे से बेक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसकी सॉफ्टनेस टच कर ये देखिए माशाल्लाह, और बिल्कुल मीडियम नॉर्मल मीठा रखा था, उतना अच्छा टेस्ट आया। ठीक है अब कट करते हैं और खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से केक रेडी हो चुका है, अब खाने लगे हैं। सो अपने व्लॉग का यही करना चाहती हूँ क्योंकि काम बहुत है, इस पर ज़्यादा शूट नहीं कर सकती, कुकिंग करनी है उसके बाद खाना शाना खाना। सो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आई होप सबको अच्छी लगी होगी, तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा और लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी आ लगे आपको रेसिपी। ठीक है तब तक ईमान का तो मुझे दे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब आप उन लोगों के मुँह पर माने आ रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, हमें भेज दे सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये केक आप लोगों को भी ज़रूर टेस्ट करेगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में ना कभी ना कभी हो सके। और अपने केक मज़ेदार खाते हैं और इंजॉय करते हैं, तब तक इमाम फातिमा को देती ज़्यादा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।